देखते हैं अगला क्वेश्चन. अ बोट रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 10. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट हमें दी गई है, सो एस बी विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर और हमें दिया है टोटल टाइम दैट इज 4 आवर 30 मिनट्स. तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 1/2 दैट इज 9/2 आवर्स. नाउ क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया है तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो अब हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर और हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस हमें दिया है 30 किलोमीटर और हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. सो हमारा इक्वेशन बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x इज इक्वल टू टोटल टाइम दैट इज 9/2. सॉल्व करेंगे. डिनोमिनेटर में हम लेंगे एलसीएम, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 15 प्लस x और 15 माइनस x यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी. तो इनको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 30x प्लस 15 इंटू 30 प्लस 30x इज इक्वल टू 9/2. अब माइनस 30x और प्लस 30x कैंसिल हो जाएगा सो हमें मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2. बोथ साइड पे 9 से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 200 इज इक्वल टू 225 माइनस x स्क्वायर सो देयरफॉर x स्क्वायर विल बी 25 सो x विल बी 5 किलोमीटर पर आवर. सो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स. ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम. द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1, बी 1.5, सी 1.8 और डी 3.5 किलोमीटर पर आवर. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज अ मैन मूव्स 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन एक्स आवर्स एंड 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम. यानी कि जो आदमी है वो 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है एक्स आवर्स में और सेम टाइम में वो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी आ रहा है. सो अब हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी u इज इक्वल टू 4/x किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी v इज इक्वल टू 3/x किलोमीटर पर आवर. अब इसके ऊपर से हमारा इक्वेशन बनेगा. हमें डिस्टेंस दिया गया है 48 किलोमीटर, सो 48 डिवाइडेड बाय 4/x प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3/x इज इक्वल टू 14. अब 48 बाय 4 विल बी 12, एक्स ऊपर गया सो 12x प्लस 16x दैट विल बी इक्वल टू 14 दैट विल बी इक्वल टू 28x इज इक्वल टू 14. सो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2. सो नाउ हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी कि u की वैल्यू बनेगी 4 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर और v की वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर. अब हमें पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सो इसका इक्वेशन हमें पता है. डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस दैट इज u माइनस v डिवाइडेड बाय 2. वैल्यूज पुट अप करेंगे वी विल गेट 8 माइनस 6 बाय 2 दैट इज 2/2 विच विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर in still water. He goes to a certain point downstream and come back to the starting point in a river. The speed of flowing water is 3 km per hour.
What is the average speed of the boat for the entire journey in kilometer per hour approx? Options are option A 12, B 8, C 6 or D 4. Let's see the solution. अब क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ द बोट की वैल्यू दी है 7 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करंट की वैल्यू दी है 3 किलोमीटर पर आवर. नाउ इससे हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी दैट इज u इक्वल टू 7 प्लस 3 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर और हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी v दैट इज 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं. तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे x किलोमीटर. अब मैन है वो पॉइंट तक जाके फिर से वापस आ रहा है. सो हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी होगा 2x किलोमीटर. अब हमें पूछा है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. सो एवरेज स्पीड का हमारा इक्वेशन बनेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. वैल्यूज पुट अप करेंगे. टोटल डिस्टेंस है हमारा 2x. सो 2x डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे टाइम. सो डाउनस्ट्रीम टाइम दैट विल बी x डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज 10 प्लस अपस्ट्रीम टाइम विल बी x बाय 4. सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2x डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम लेंगे. सो 4x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 40. 40 को हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में. वी विल गेट 80x डिवाइडेड बाय 14x दैट विल बी इक्वल टू 5.71. अब हमें पूछा है अप्रॉक्स वैल्यू. सो द अप्रॉक्स एवरेज स्पीड विल बी 6 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 2 आवर्स 45 मिनट्स मोर इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस. How far is the place? Option A 22 km, B 18 km, C 16 km or D 14 km. देखते इसका solution. अब man की still water में speed यानी कि होगी speed of the boat जो कि हमें दी है 6 km per hour. And similarly speed of current is given 2 km per hour. Now let the speed downstream be x km per hour and speed upstream be y kilometer per hour. अब यहाँ से हमारा equation for speed of the boat बनेगा x plus y divided by 2. अब speed of boat की value हमें पता है जो कि है 6. So x plus y divided by 2 will be equal to 6. So we will get x plus y is equal to 12. ये होगा हमारा equation 1. अब similarly speed of current के लिए हमारा equation बनेगा x minus y by 2 is equal to 2. So that will be x minus y is equal to 4. और ये होगा हमारा equation 2. Now from equation 1 and 2, by solving simultaneously, आप screen पे देख सकते हैं, we will get x is equal to 8 km per hour and y is equal to 4 km per hour. Now suppose the distance of the place be d km. यानी कि जो प्लेस है वो d किलोमीटर अवे है और टाइम हमें दिया है 2 आवर्स 45 मिनट्स. सो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे. 2 इंटू 45 बाई 60 दैट विल बी इज इक्वल टू 11 बाय 4 आवर. अब यहाँ पे हमारा टाइम का इक्वेशन बनेगा d बाय 4 विच इज द अपस्ट्रीम स्पीड माइनस d बाय 8 विच इज डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 11 बाय 4. Therefore, d by 8 is equal to 11 by 4. Therefore, d will be equal to 11 into 8 divided by 4. Therefore, d is equal to 22 km. यानी कि हमारा जो distance है, वो है 22 km. Answer is option A.